जयपुर में चल रहे सहकार मसाला मेले के दूसरे दिन स्वाद के शौकीनों का जमावड़ा लगा और किचन के लिए जरूरी मसालों की जमकर खरीदारी की। मेले में राजस्थान के अलावा केरल तमिलनाडु के खास मसालों की 120 स्टॉल्स व्यापारियों ने लगाई है। मेले में खास बात यह है कि इन मसालों की गुणवत्ता के साथ भी दरें भी वाजिब रखी गई हैं। जोधपुर की मथानी मिर्च हो या फिर नागौर की नागौरी मेथी या फिर झालावाड़ का धनिया, किचन में लगने वाले हर मसाले का तड़का यहाँ मौजूद है। सहकार मसाला मेले की सदस्य सोनल माथुर ने बताया कि जनता की डिमांड पर मसालों के साथ साथ बुनकरों की समितियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मसाला मेले में खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए डेली ड्रॉ योजना भी रखी गई है। मेले के अंतिम दिन 20 मई को ड्रॉ निकाला जाएगा। जायकों को चाहने वालों के लिए यहाँ पर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही है। सारे लोगों की डिमांड की वजह से हमने अब एक ही मेला रखा है जिसमें मसाले भी हैं, और इस मसाले के मेले में हमने दूसरे स्टेट्स की स्टॉल्स भी मंगाई हैं, केरला तमिलनाडु जो अपने विशिष्ट मसालों के लिए मशहूर हैं उनको भी बुलाया है, और हमारे कॉन्फिट शीर्ष संस्था उसने भी मसालों का डिस्प्ले किया है, और सारी हमारी सहकारी समितियाँ और हमारे सहकार भुट्टा भंडार। इस वक्त 120 स्टॉल हैं टोटल। सर हमारे पास सभी प्रकार के मसाले मिलेंगे, जैसे कि मथानिया वाली तो मिर्ची होती है, कोटा धनिया का रामगंज मंडी का धनिया होता है, सांगली की महाराष्ट्र की हल्दी होती है, और गुजरात ऊंचा मंडी का जीरा होता है, ऐसे कोटा की सौंफ होती है, इस प्रकार के और केरल के साबुत मसाले होते हैं।